गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डाइवर्सिटी क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ये क्वेश्चन कि क्लासिफिकेशन की जो स्टडी है वो किस लिए जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि क्लासिफिकेशन की वजह से क्या होता है, सभी ऑर्गेनिजम्स को जितने भी अवेलेबल हैं उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। फिर हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की, एक ग्रुप के की अगर हम बेसिक इंफॉर्मेशन स्टडी कर लेते हैं तो हमें उस पूरे ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, क्योंकि हम सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को तो एक टाइम में स्टडी कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म की स्टडी से हमें पूरे ग्रुप के बारे में पता चल जाता है। फिर हमें जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है, कौन सा प्रिमिटिव है जो पहले इवोल्व हुआ और कौन सा बाद में हुआ, वो पता चलता है। इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स का पता चल जाता है हमें। फिर फॉसिल प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी करने का और कोई अच्छा तरीका नहीं है, क्लासिफिकेशन ही उनकी स्टडी के लिए एक बेस्ट मेथड है। फिर हमें इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है किन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो हमारी लोकेलिटी में हमारे आसपास है ही नहीं। हमारे आसपास तो कुछ लिमिटेड ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, तो हमारे आसपास भी नहीं है ना, जो उनके बारे में भी क्लासिफिकेशन की स्टडी करने से जब हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं तो हमें हर एक ग्रुप के एनिमल्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, चाहे वो हमारे आसपास हैं या नहीं है। अब पहले दिया गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये दिया था लिनियस ने। और लिनियस ने क्या किया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल थे अर्थ पे, ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उन सबको प्लांटी और एनिमलिया में डिवाइड कर दिया। लेकिन इस सिस्टम में बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स थी। सबसे पहली ड्रॉबैक इस सिस्टम की ये थी कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि प्रोकैरियोट्स हैं उनको प्लांट किंगडम में इंक्लूड कर दिया, जबकि किंगडम प्लांटी जो है इसमें यूकैरियोट्स आते हैं। अब फिर ये सिस्टम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, ये यूनिसेलुलर है, एल्गी होती है, ये मल्टी सेलर है, इन सबको भी किंगडम प्लांटी में, और भी जो हायर मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसमें। फिर ये सिस्टम फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। ग्रीन एल्गी और फंजाई सबको एक ही किंगडम प्लांटी में रख दिया गया। और जो फंजाई हैं ये तो क्या है, हिटरोट्रॉप्स होती हैं, और इवन इनकी जो सेल वॉल की कंपोजिशन है वो भी प्लांट्स की सेल वॉल की कंपोजिशन से एकदम अलग है। फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है जबकि प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है, तो एकदम ही डिस्पैरिटी हो गई ये। फिर ये सिस्टम जो है, तो ये सब मतलब इन पॉइंट्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि दिस सिस्टम वॉज इनएडिक्वेट, ये इनसफिशियंट था ये सिस्टम। बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे रह गए जो किसी भी कैटेगरी में फिट ही नहीं होते थे, ना प्लांट्स में और ना एनिमल्स में। जैसे स्पॉन्जेज हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया, हायर फंजाई, युगलीना, डायएटम्स। अब फिर विटकर ने दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो अलग से कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस साइंटिस्ट ने दिया। सो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय आर एच विटकर, एंड इन विच ईयर, इन 1969। अब उसने क्राइटेरिया क्या लिया,
फाइव किंगडम्स में क्लासिफाई करने का ऑर्गेनिजम्स को। सबसे पहले उसने लिया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर कि सेल्स प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक का यूनिसेलुलर का एक अलग किंगडम बना दिया, फिर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर का, क्योंकि नेक्स्ट देखो हम यही देख रहे हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर, तो यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर को अलग रखा, फिर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, फिर मल्टीसेलुलर के बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया, ऑटोट्रॉप्स या हिटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का फिर एक किंगडम बनाया गया और हिटरोट्रॉप्स का अलग किंगडम बनाया गया। और इसमें एक खास बात ये थी कि दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इंडेक्स ऑफ किनशिप भी इसको हम कहते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है ये सेम टेबल। इस टेबल को याद करने से हमें सारे के सारे जो फाइव किंगडम्स हैं उनके जो फीचर्स हैं बेसिक फीचर्स वो हमें पता चल जाते हैं। और अभी पीछे भी जो हमने पढ़ा कि किस बेस पे क्लासिफाई किया गया फाइव किंगडम्स में, आर एच विटकर ने किस बेस पे किया, वो भी इस टेबल से क्लियर हो जाता है। और ज्यादा देखो, सबसे पहले क्या लिया गया इसमें, सेल टाइप। और सेल टाइप हमने पढ़ा कि दो तरह की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसी सेल्स जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो। अब ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, और ऐसे न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। फिर प्रोटिस्टा में ये यूकैरियोटिक हैं, लेकिन ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं? ये भी यूनिसेलुलर हैं, और मोनेरा जो है ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन क्या इनमें डिफरेंस क्या है? मोनेरा प्रोकैरियोटिक हैं और यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं। अब फंगस, प्लांटी, एनिमलिया सारे के सारे कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। सिर्फ एक ही फाइलम, एक ही ये किंगडम है मोनेरा किंगडम जो कि प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे के सारे फोर किंगडम जो हैं वो यूकैरियोटिक हैं। सेल वॉल कंपोजिशन अब अगर हम देखें तो मोनेरा की जो सेल वॉल है ये सेल से मिलकर नहीं बनी होती, नॉन सेलुलर होती है ये, और ये बनी होती है पॉलीसेकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड से बनी होती है। अब प्रोटिस्टा में सेल वॉल बहुत ही कम में होती है, ज्यादातर में नहीं होती है, और फंगस में ये सेल वॉल होती है, लेकिन जब होती है तो किस चीज की बनी होती है? पिछली स्लाइड में भी हमने पढ़ा, बताओ, काइटिन की बनी होती है। और प्लांट्स में ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। ओके, ये हमने कर लिया। और एनिमल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी मैंने आपको पहले भी बताया प्रोकैरियोटिक का मीनिंग बताया जब, कि मोनेरन्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और बाकी चारों जो किंगडम हैं उनमें ये प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम करें कि भाई सेल्स के ही बने हैं या सेल्स मिलके टिश्यूज बना रही हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, तो जो मोनेरन्स हैं ये सिर्फ यूनिसेलुलर हैं ऑब्वियसली, तो इनमें तो सेलुलर लेवल ही रहेगा, सेल्स जब है ही एक सेल तो टिश्यूज का सवाल ही नहीं उठता। फिर प्रोटिस्टा, ये भी यूनिसेलुलर हैं तो इसमें भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होगा। अब आते हैं फंजाई पे। फंजाई मल्टी सेलुलर हैं तो यहाँ पे ये सेल्स मिलके टिश्यूज बना रही हैं, लेकिन टिश्यूज कैसे हैं? यहाँ लूज टिश्यू हैं। प्लांटी में सेल्स मिलके मल्टी सेलुलर हैं अब ये सारे के सारे, और सेल्स मिलके टिश्यूज भी बना रही हैं सब में। अब डिफरेंस देखते जाना, यहाँ पे देखो ये लूज टिश्यू और यहाँ पे टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स भी बना रहे हैं। और यहाँ पे आ जाएं हम एनिमलिया में तो यहाँ पे ऑर्गन्स ने मिलके ऑर्गन सिस्टम भी बना दिया। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो मोनेरन्स जो हैं ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं, हिटरोट्रॉफिक भी।
और इनमें कीमोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस भी। जब इनका ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो ये ऑटोट्रॉफिज्म दो टाइप का है, कीमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। और जब ये हिटरोट्रॉफिक हैं तो हिटरोट्रॉफिक में ये सेप्रोफिटिक टाइप हैं और उसके अलावा पैरासिटिक हैं। देखो फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं, ये हमें सबको पता है कि वो सनलाइट से एनर्जी डिराइव करते हैं, है ना। और जो कीमोसिंथेटिक हैं ये केमिकल्स को यूज करेंगे, डिफरेंट केमिकल्स को यूज करके उससे एनर्जी डिराइव करेंगे। और जो सेप्रोट्रॉफिक हैं या सेप्रोफिटिक, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। पैरासाइट्स ये दूसरे की बॉडी पे ही सरवाइव करते हैं, जिसके पे ये सरवाइव करते हैं उसको हम होस्ट बोलते हैं। तो ये अपने न्यूट्रिशन के लिए होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। अब प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जो हैं मेनली ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ऑटोट्रॉफिक में ये किस टाइप के हैं, फोटोसिंथेटिक टाइप हैं। उसके अलावा हिटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है इनमें। फंगस सारी की सारी हिटरोट्रॉफिक हैं और हिटरोट्रॉफिक में ये सेप्रोफिटिक भी हैं पैरासिटिक भी हैं। प्लांट्स में, एनिमल्स में ये डिजीज भी कॉज करती हैं। और प्लांटी सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक हैं और ऑटोट्रॉफिज्म इनका कैसा है, थ्रू फोटोसिंथेसिस। हमने प्लांट्स में ये थोड़ा बहुत पढ़ा भी है पिछली क्लासेस में कि प्लांट सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट को यूज करके फूड बनाते हैं और एनर्जी मिलती है। फिर हीटरोट्रॉफिक होते हैं एनिमल्स सारे के सारे, और हीटरोट्रॉफिक में ये वोलोजोइक यानी दे एंगल सॉलिड फूड। और सेप्रोफिटिक, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो सेप्रोफाइट्स भी हैं। अब हम पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा को डिटेल में। तो बैक्टीरिया जो हैं इस किंगडम के सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, इनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। और यूनिसेलुलर हैं, एक ही सेल से मिलके बने होते हैं, एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। प्रोकैरियोटिक हैं यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। फिर इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर, इसके अलावा न्यूक्लियोलाई, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस और इसके अलावा और भी जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है ना, वो सारे के सारे इनमें एब्सेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नीट के हिसाब से याद रखना इसको। सेल वॉल इनकी पेप्टाइडो ग्लाइकेंस की बनी होती है और ये ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, कैसे भी एक्सट्रीम हैबिटेट्स हो, हॉट स्प्रिंग्स हैं, डेजर्ट्स हैं, स्नो, डीप ओशंस, सब जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये कुछ इसमें से पैरासाइट्स भी हैं। इनका न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है। ये हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की टाइप्स हो गई और ये ऑटोट्रॉफिक की टाइप्स हो गई, कीमो ऑटोट्रॉफिक या फिर फोटो ऑटोट्रॉफिक। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अगर होती है तो वो होती है बडिंग से या फिर बाइनरी फिशन से। और एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं हो सकती इनमें, लेकिन एक तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है कंजुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन से। कंजुगेशन में क्या होता है, दो बैक्टीरिया क्लोज आते हैं, जैसे ये और ये बैक्टीरिया दिखाए हुए हैं, ये एकदम क्लोज आ जाएंगे, कंजुगेशन पाइलस बन जाता है यहाँ पर ऐसे। और उस कंजुगेशन पाइलस की हेल्प से जो फर्टिलिटी फैक्टर है, एफ फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर इसको कहते हैं, एक बैक्टीरिया में होता है एफ प्लस कहेंगे उसको, दूसरे में नहीं होता उसको माइनस कहेंगे। और इस कंजुगेशन पाइलस के थ्रू जिसमें एफ प्लस फैक्टर है, वो एफ प्लस पहले उसकी डबल कॉपी बन जाएंगे और फिर वो एक कॉपी एफ माइनस में चली जाती है। तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल है ना, इसको हम कंजुगेशन कहते हैं और ये एक तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें दो तरह के
बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं, प्लस एंड माइनस स्ट्रेन जिनको हम कहते हैं। और दूसरा मोड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल वो डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है दूसरे बैक्टीरिया में, कोई पाइलस नहीं बनता, कुछ नहीं, ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, अब फ्लैजेला अगर इनमें प्रेजेंट है तो वो 9+0 अरेंजमेंट होता है। जो यूकैरियोट्स हैं उनमें 9+2 होता है, यानी कि 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं और सेंट्रल जो है इसमें एब्सेंट होता है, जबकि बाकियों में ये 2 सेंट्रल भी प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल इनमें डीएनए ही होता है, और डीएनए जो है ट्रिपल सी आप याद रखना, कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए होता है इनमें, और एक ही क्रोमोसोम होता है वो नेकेड प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो इसमें होती ही नहीं है, तो इसलिए इनका जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होता है। अब राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं और स्मॉल होते हैं, ये 70S टाइप हैं। S यहाँ पे स्वीडबर्ग कांस्टेंट होता है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ये मेम्ब्रेन के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं। अब किंगडम मोनेरा को हम मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, यू बैक्टीरिया जो कि ट्रू बैक्टीरिया जिनको हम कहते हैं, बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया, ब्लूग्रीन एल्गी ये इसमें आते हैं, नोस्टक एनाबिना वगैरह, और आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब होता है एंशियंट, ये एंशियंट बैक्टीरिया है और ये हार्श हैबिटेट्स में सर्वाइव करते हैं। अब हम आर्की बैक्टीरिया को पहले डिस्क्राइब करते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं जो हार्श हैबिटेट्स में सर्वाइव कर सकते हैं। कैसी हार्श हैबिटेट्स, जैसे एक्सट्रीमली सॉल्ट एरियाज हों, इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में जो आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हम हैलोफाइल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में जो पाए जाते हैं उनको हम थर्मो एसिडोफाइल्स। देखो थर्मो का मतलब टेम्परेचर होता है, एसिडो का मतलब एसिडिक पीएच, है ना, इसके नाम में ही सारा वो छुपा है। तो ये हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकते हैं और ये लो पीएच को भी सहन कर सकते हैं, उसमें भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और कुछ ऐसे आर्की बैक्टीरिया हैं जो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, इनको हम मिथेनोजन्स कहते हैं। इसके अलावा जो मिथेनोजन्स हैं ये गट ऑफ रूमिनेंट्स में भी पाए जाते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स में, ये रूमेन एक स्पेशल स्टोमक होता है, और ये एनिमल्स हैं काउस, बफेलो, गोट्स, और ये मिथेनोजन्स क्या करते हैं, मिथेन प्रोड्यूस करते हैं जो कि बायोगैस का एक मेजर कंपोनेंट है, और ये डंग ऑफ एनिमल्स से प्रोड्यूस की जाती है बायोगैस। अब आर्की बैक्टीरिया ये एक्सट्रीमली हार्श हैबिटेट को कैसे बियर कर सकते हैं, कैसे इनमें सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल की कंपोजिशन है, सेल वॉल की स्ट्रक्चर है, वो बाकी बैक्टीरिया से, यू बैक्टीरिया से अलग है। वो रेजिस्टेंट होती है हाई टेम्परेचर, एसिडिटी, सॉल्ट, इन सब के। ओके, तो उसकी वजह से ही, इस सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से ही ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। अब यहाँ पे हमने ये डायग्राम दिया है इसका, ब्लू ग्रीन एल्गी का, जो कि आती है यू बैक्टीरिया में। ओके, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ट्रू बैक्टीरिया के, थाउजेंड्स एग्जाम्पल्स हम इसमें दे सकते हैं। और इनकी क्या पहचान है ट्रू बैक्टीरिया की, इनमें एक रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर ये मोटाइल हैं तो इनमें फ्लैजेलम होता है। अब ये एक ट्रू बैक्टीरिया है, हमने पीछे भी पिछली स्लाइड में किया था ना कि ट्रू बैक्टीरिया में क्या आते हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसका एक एग्जाम्पल नोस्टॉक है। ये नोस्टॉक का हमने यहाँ पे डायग्राम शो किया है। ये क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है
जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। तो ये स्ट्रक्चर है हीटरोसिस्ट। ओके, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लेना है अलग से कि हीटरोसिस्ट प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया अगर हम करें तो चार शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की मेनली। सबसे पहला है कोकाई, कोकस इसका सिंगुलर है। कोकाई जो है ये स्फेरिकल शेप होती है बैक्टीरिया की। ये देखो ये दो के उसमें है, डिप्लोकोकस चेन बना लें तो स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप में आ जाएं तो उसको स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। ऐसे बेसिलाई, बेसिलाई जो हैं ये ऐसे रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। और ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो स्पोर्स भी बनाते हैं। स्पोर जो है इनकी पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं और सर्वाइव करेंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी फिर से ये स्पोर जर्मिनेट हो जाता है। फिर ये है स्पाइरिलम शेप, स्पाइरल शेप, ये स्पाइरल शेप है, इनमें ये फ्लैजेला भी प्रेजेंट है। और चौथी जो शेप है वो है विब्रियो। विब्रियो जो है कोमा शेप्ड होते हैं। ओके, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, विब्रियो कोलरी, कोलरा कॉजिंग बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। और लैक्टोकोकस कोकाई में आते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया, बेसिलस, और बेसिलस एंथ्रासिस, बहुत सारे ये इस तरह के एग्जाम्पल भी इसमें हम ले सकते हैं। अब हम करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। तीन तरह के बैक्टीरिया हैं, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक एंड हीटरोट्रॉफिक, है ना। अगर ऑटोट्रॉफिक हैं तो वो फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक हैं, और हीटरोट्रॉफिक हैं तो इसमें हमने दो मोड बताए थे, सेप्रोफिटिक और दूसरा क्या बताया था, पैरासिटिक। इसी टेबल की हेल्प से आपने इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया खुद लिखनी है। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया करते हैं। इसमें साइनोबैक्टीरिया, पीछे जो मैंने डायग्राम दिखाया आपको नोस्टॉक का, ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी इनको हम कहते हैं, BGA लिखा मिलेगा आपको बहुत जगह, तो उसका मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी। इनमें जो क्लोरोफिल है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ग्रीन प्लांट्स में होता है। तो इसलिए ये सारे के सारे जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल मतलब ये कॉलोनीज बनाते हैं, एग्रीगेशन बहुत सारे बैक्टीरिया की इकट्ठी जो हो उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। फिलामेंटस, लॉन्ग फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर, जैसे अभी हमने नोस्टॉक की देखी थी ना। फिर फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर दोनों में मिलते हैं ये, मैराइन का मतलब सी वाटर, या टेरेस्ट्रियल एल्गी, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे पाए जाए। फिर कॉलोनीज जो हैं, अगर ये कॉलोनियल हैं तो कॉलोनीज जिलेटिनस शीट से सराउंडेड होती हैं। पिछली उसमें भी हमने देखा डायग्राम में नोस्टॉक के में कि पूरा का पूरा जो उसकी बॉडी है दैट इज सराउंडेड बाय ए जिलेटिनस शीट, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जिलेटिनस शीट, इसको मॉइस्चर बनी रहती है, सर्वाइवल में हेल्प करती है। और ये जो हैं एल्गल ब्लूम का भी कारण बनते हैं। जहां पे पोल्यूटेड वाटर बॉडी है देखो उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वहां पे ये बल्क में ग्रो कर जाती हैं, पूरी की पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेती हैं सरफेस पे। और कवर करने के बाद क्या होगा, जो नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उन तक ना लाइट पहुंचती है और वो सर्वाइव नहीं कर पाते। और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद क्या होता है कि वो जो प्लांट बॉडी है वो बिल्कुल लैंड में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो एल्गल ब्लूम जो है ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। और ये ज्यादा एल्गी ग्रो कहाँ करती है, पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में ही ये ग्रो करती है, क्योंकि वहां पे इनको न्यूट्रिशन आसानी से मिल जाता है। फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें से कुछ जैसे कि नोस्टॉक एनाबिना, पीछे मैंने बताया था कौन सी स्ट्रक्चर होती है, हीटरोसिस्ट की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ये। अब आते हैं हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया पे। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं।
और एनर्जी रिलीज करते हैं, एटीपी प्रोडक्शन होगी। फिर ये रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की नोड्यूल्स में पाया जाता है, तो वो इसी तरह के इसी में कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही आएगा। इसी तरह सल्फर बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया है, फॉस्फोरस बैक्टीरिया, वो सब इसमें ही आएंगे। अब हिटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया करते हैं, हिटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही सबसे ज्यादा है नेचर के अंदर, और ये ज्यादातर क्या है, डीकम्पोजर्स हैं। अब डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है वो अनअवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, और ये उसको क्या करेंगे, अवेलेबल फॉर्म में, सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इनका और सबसे बड़ा रोल देखो किस किस चीज में है, कर्ड बनाने में। लैक्टो बेसिलस बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है कर्ड बना, लैब बोलते हैं इनको हम, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और उसका नाम है लैक्टो बेसिलस, क्योंकि उसकी शेप बेसिलस, बेसिलस का मतलब रोड शेप होता है, और लैक्टो का मतलब मिल्क से रिलेटेड आ गया, लैक्टो शुगर होती है मिल्क में, तो लैक्टो बेसिलस बैक्टीरिया हेल्प करता है कर्ड बनाने में, किससे, मिल्क से। फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से बनता है। फिर कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कोलरा, पीछे भी मैंने आपको बताया, विब्रियो कोलरी से, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी से होता है, टेटनस, माइकोबैक्टीरियम टेटनाई से होता है। इसके अलावा क्रॉप्स को भी ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सिट्रस कैंकर, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, और ये पैट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं, और जो हमारे पैट इवन जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, काउज बफेलोज, उनमें भी बेसिलस एंथ्रासिस है जिससे एंथ्रेक्स डिजीज होती है, ये एनिमल्स में पाया जाता है और एनिमल से ह्यूमन बींग्स में भी आ जाता है। फिर ये माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें कोई सेल वॉल नहीं होती। देखो इसमें आउटर मोस्ट ये लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है, तो ये ज्यादातर क्या है, पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स या प्लांट्स में, इनको हम जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। फिर इनकी जो शेप है ये फ्राइड एग के जैसे दिखते हैं, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये क्वेश्चन यहाँ पे फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का नाम क्या है, PPLO, इसकी फुल फॉर्म है, लिख लो बेटा, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। न्यूमोनिया होता है इनसे, हमने ये पढ़ा ना यहाँ पे कि ये ज्यादातर क्या है, पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक का मतलब होता है जिनसे डिजीज होती हो। थैंक यू सो मच।